in last few lectures we have completed all transmission mechanisms of monetary policy which are there or which are discussed in the literature on monetary policy so we have completed that topic now at the end i would like to share with you the lessons which we learned from that topic so these are the lessons which we learned from those topics now at the end

इट ऑलवेज इट इज ऑलवेज मयर्ड इन टर्म्स ऑफ रियल इंटरेस्ट रेड आप नॉमिनल रेट से नहीं कह सकते कि पॉलिसी टाइट है या पॉलिसी लूज है जब तक आप रियल इंटरेस्ट रेट को ना देखें इसीलिए हमारा हर ट्रांसमिशन चैनल रियल इंटरेस्ट रेट से शुरू होता था सिवाय एक के जहां पे डेट ऑब्लिगेशन की बात हुई थी वहां पेमेंट्स नॉमिनल टर्म्स में फिक्स थी इसलिए वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से स्टार्ट हुआ इसका मतलब यह है कि रियल इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट है अगर आपने ये देखना हो कि पॉलिसी लूज है या पॉलिसी टाइट है और इसके क्या इफेक्ट इकोनॉमी पे होंगे पहले जानना यह जरूरी है कि टाइट या लूज इट ऑल डिपेंड्स ऑन रियल इंटरेस्ट रेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से आप नहीं कह सकते कि पॉलिसी टाइट है या पॉलिसी लूज है सेकेंड लेसन सेकेंड लेसन ये है कि हमें यह पता चला कि जो अदर एसेट प्राइसेस होती हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में हमने देखे थे अदर प्राइस चैनल के अंदर फर्दर हमने तीन ट्रांसमिशन चैनल पढ़े थे तो आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि जो इंटरेस्ट रेट है यह तो बॉन्ड्स के ऊपर उसका रिटर्न है और बॉन्ड की प्राइस से चूंकि वन टू वन इनवर्सली रिलेटेड है तो इसका मतलब है इसको हम की प्राइस कह सकते हैं या मनी की प्राइस कह सकते हैं लेकिन हमें ये पता है कि अदर एसेट्स भी होते हैं और वो अदर एसेट्स की जो प्राइसेस हैं या उनका जो रिटर्न है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इसका मतलब ये है कि जब कभी आपको इंटरेस्ट रेट देखना भी हो जो कि बॉन्ड्स के ऊपर रिटर्न है तो आपको रेलेटिव सेंस में देखना होगा कि बॉन्ड का रिटर्न रेलेटिव टू रिटर्न ऑन अदर एसेट्स अदर एसेट्स में इक्विटी है या हाउसिंग है या कोई भी रियल एसेट हो सकता है अब अगर कभी भी शॉर्ट टर्म के अंदर रियल इंटरेस्ट रेट लो हो इसका मतलब है बॉन्ड्स की जो प्राइस है या वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैं कह रहा हूं बॉन्ड्स की प्राइसेस हाई होंगी इंटरेस्ट रेट लो है यानी कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स लो हो लेकिन अगर उसी टाइम बाकी एसेट्स के ऊपर भी रेट ऑफ रिटर्न लो हो और उस वक्त आपकी करेंसी एप्रिसिएटेड हो एप्रिसिएटेड है जिसका मतलब है कि डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू हिस्टोरिकली आपने हाई रखी हुई है तो बावजूद इसके कि इंटरेस्ट रेट लो है लेकिन स्टिल द वैल्यू ऑफ योर करेंसी इज हाई और अदर एसेट्स के ऊपर जो रिटर्न है या उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी लो हैं इसका मतलब यह है कि रिलेटिव सेंस में हो सकता है फिर इंटरेस्ट रेट लो होने के बावजूद रिलेटिव सेंस में लो ना हो और पॉलिसी टाइट हो तो आप सिर्फ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट देख के नहीं डिसाइड कर सकते कि पॉलिसी टाइट है या लूज और सिर्फ रियल इंटरेस्ट रेट अकेला आइसोलेशन में देख के भी नहीं डिसाइड कर सकते कि मॉनिटरी पॉलिसी टाइट है या लूज है इसको अदर एसिड प्राइसेस के कंपैरिजन में देखना पड़े अब हम चलते हैं थर्ड लेसन की तरफ थर्ड लेसन ये है कि मॉनिटरी पॉलिसी कैन रिवाइव अ वीक इकॉनमी इवन इफ इंटरेस्ट रेट हिट जीरो लोअर बाउंड ये मैंने पीछे एक लेक्चर में बताया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट कम होते होते जीरो के करीब हो जाता है तो हम जरा अस्यूम कर लेते हैं कि वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया अब आपको पता है कि हमारा ट्रांसमिशन चैनल ये कहता है कि जब सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कम करता है तो उससे नॉमिनल तो रियल इंटरेस्ट रेट कम होता है और एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कम होता है अब जब इंटरेस्ट रेट खुद जीरो पे चला जाए तो मार्जिन ही नहीं रहा कि सेंट्रल बैंक फर्दर इंटरेस्ट रेट कट करे तो फिर रियल इंटरेस्ट रेट कम कैसे होगा या लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट फिर कैसे कम होगा तो याद रखें हमने यह पढ़ा है कि इसका भी चैनल है और वो है कि जब जब सेंट्रल बैंक जो है वो लार्ज अमाउंट में एसेट्स परचेस करना शुरू हो जाए यानी कि वो एसेट्स जो वो रेगुलरली ओएमओ के अंदर या डिस्काउंट लोन्स के अंदर यूज करता है उससे हटके और एसेट्स भी परचेज करना शुरू हो जाए और लार्ज स्केल पे परचेज करना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से बैंक्स के रिजर्व्स बहुत इंक्रीज हो जाते हैं और उसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट और उससे एसेट्स की प्राइसेज इंक्रीज हो जाती हैं क्योंकि डिमांड बढ़ गई है सेंट्रल बैंक की तरफ से तो आपको पता है जब इन, जब भी एसेट्स की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसका मतलब यह कि उनका रिटर्न या उनका इंटरेस्ट लो हो जाता है तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म एसेट्स भी अगर सेंट्रल बैंक परचेज करना शुरू कर दे तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कम किए बगैर लॉन्ग टर्म एसेट्स की प्राइसेस बढ़ा के उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न या उसका इंटरेस्ट रेट कम किया जा सकता है जबकि दूसरी तरफ हमने यह भी देखा था कि अगर सेंट्रल बैंक ये कमिटमेंट शो करे कि हम ये जो इंटरेस्ट रेट जीरो पे ले आए हैं इसको काफी टाइम तक लो लोअर साइड पे रखेंगे तो इससे एक एक्सपेक्टेशन जन्म लेती हैं एक एक्सपेक्टेशन लोगों की रिवाइज होती हैं और वो कैसे कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर लंबे अरसे तक इंटरेस्ट रेट यही रहा तो इसका मतलब है फ्यूचर में इन्फ्लेशन हो सकता है तो उनका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट फ्यूचर टाइम पीरियड का क्या हो जाता है हाई हो जाता है और चूंकि रियल इंटरेस्ट रेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन रेट माइनस करने से आता है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट तो रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है बावजूद इसके कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी जीरो था और उसको सेंट्रल बैंक फर्दर कट भी नहीं कर रहा फिर भी रियल इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है फिर एक फोर्थ लेसन फोर्थ लेसन ये है कि जब भी हमने एक चैनल देखा था अनएंटिसिपेटेड प्राइस लेवल का तो जब भी प्राइस लेवल इंक्रीज पे इफेक्ट होने का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी पे आउटपुट पे इफेक्ट होगा इसका मतलब है, अगर अनएंटिसिपेटेड प्राइस चेंजेस होती रहेंगी तो इकोनॉमी की आउटपुट फ्लक्चुएट करती रहेगी स्टेबिलाईज नहीं हो पाएगी इसका मतलब है कि अगर अगर गवर्नमेंट को अगर मॉनिटरी अथॉरिटी को ये चाहिए कि आउटपुट और प्राइस स्टेबल रहें तो अनएंटिसिपेटेड पॉलिसी चेंजेस को कंट्रोल करना पड़ेगा यानी कि उसको अवॉइड करना पड़ेगा यहाँ से ही एक जस्टिफिकेशन भी निकलती है एक इसमें एक इशू है प्राइस डिफ्लेशन का तो याद रखें सिर्फ यह नहीं है कि इन्फ्लेशन हो जाए तो यह प्रॉब्लमेटिक है अगर डिफ्लेशन हो जाए तो यह भी एक प्रॉब्लम है याद रखें अनएंटिसिपेटेड प्राइस चेंज जो भी हो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो इन्फ्लेशन हो अनएंटिसिपेटेड या डिफ्लेशन हो अनएंटिसिपेटेड दोनों के प्राइस पे इफेक्ट दोनों के इन्फ्लेशन रेट पे और आउटपुट के ऊपर इफेक्ट आएंगे दोनों वोलेटाइल हो जाएंगे इसका मतलब यह है कि मॉनिटरी पॉलिसी का यहां से एक इंप्लीकेशन निकलती है कि मॉनिटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स में से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यह होना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करे प्राइसेस को स्टेबलाइज करे